क्लॉथ शॉप। एक बस स्टॉप पर एक औरत खड़ी थी, तभी एक आदमी आकर उसका पर्स छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। उस औरत ने उस पर्स को कस के पकड़कर चोर 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 कहकर जोर से चिल्लाने लगी। दो व्यक्तियों ने आकर उसे पकड़ लिया। वो उसे मारने ही वाले थे कि एक और औरत आकर ठहरो, मैं मफ्ती में एसआई सुभाषिनी हूँ कहकर अपना आईडी कार्ड दिखाया। इसे पकड़ने के लिए ही तो मैं बेस बदल कर घूम रही हूँ, इतने दिनों बाद ये हमारे हाथ आया है कहकर उसके गिरेबान को पकड़कर चलो स्टेशन, तुम्हारी टांगे तोड़ती हूँ कहकर उसे ले गई। उसे साथ वाली गली में ले जा रही थी तो वो आदमी अब बस भी करना यार, गर्दन दर्द कर रहा है। सुभाषिनी उसे छोड़कर क्या चोर है आप, एक औरत का पर्स तक नहीं छीन सकते। ये सोचकर कि आप कोई खतरनाक चोर हो मैंने आपसे शादी की। मुझे क्या पता था कि वो इतनी बलवान है। ठीक है मैं बेकार चोर हूँ, पर तुम मेरी जोड़ीदार हो ना। देखा पति पत्नी अगर चोर हो तो कितना फायदा है, अपना टीम सुपर है, कोई हमें नहीं पकड़ सकता। ठीक है अब आगे का क्या प्लान है। इस बार हॉलीवुड स्टाइल में प्लान किया है। अगले दिन सुभाषिनी बड़े धनवान की तरह सज धज कर आँखों पर चश्मा पहनकर एक बड़ा सूटकेस लेकर एक कपड़े की दुकान पर गई। आइए मैडम, वेलकम टू आवर क्लॉथ शॉप। देखिए चार कीमती साड़ियाँ और चार कॉस्टली सलवार कमीज चुनकर पैक कर दीजिए, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ओनर ने पैक करके दिया। तभी सुभाषिनी फोन पर क्या तुरंत दिल्ली आना होगा, प्रेसिडेंट से मीटिंग है, फिर अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से रिटर्न भी बुक कर दिया है। अरे मेरे पास बहुत लगेज है, अब एयरपोर्ट पे चेक इन के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है मैं कुछ करती हूँ कहकर फोन काट दिया। दुकान के ओनर से अर्जेंट दिल्ली जाना है, ये लगेज। कह ही रही थी कि ओनर मैंने सब सुन लिया मैडम, आपका लगेज दुकान में महफूज रहेगा, प्रेसिडेंट से मीटिंग है ना, जाकर आप कल सवेरे आ जाइए। बहुत शुक्रिया, इसका बिल भी मैं कल ही भर दूंगी। ठीक है ओके मैडम जाइए। उस दिन रात को ओनर ने दुकान बंद किया और चला गया। अंदर रखा सूटकेस अपने आप खुल गया, उसमें से सुरेंद्र बाहर निकला। यहाँ वहाँ देखकर काउंटर में रखे पैसे निकालिए। दुकान पूरा ढूंढकर सबसे महंगे कपड़े उठाया, उसे लेकर सूटकेस में रखा। बाद में अपना टिफिन बॉक्स खोलकर खाने लगा। एक बुत के पास खड़ा होकर कल इस बुत की तरह मैं थोड़ी देर के लिए खड़ा रहूंगा, बाद में लोगों से मिलकर खिसकना होगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूँ कहकर एक बुत के पास जाकर पोज बनाकर खड़ा हो गया। अगले दिन सवेरे सुभाषिनी दुकान पर आई। उस शॉप के शटर के पास कुछ लोग धरना कर रहे थे। मजदूर एकता जिंदाबाद, मालिक की तानाशाही नहीं चलेगी कहकर चिल्ला रहे थे। सुभाषिनी एक व्यक्ति से ये हो क्या रहा है, इस दुकान में काम करने वाले हम मजदूरों ने बंद की घोषणा की है, हम इस दुकान को तब तक खोलने नहीं देंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, दिन हो हफ्ते हो या महीने, तब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक शटर खोलने नहीं देंगे। सुभाषिनी डर गई। शॉप के मालिक से अरे मेरा लगेज अंदर है, उनकी मांगों को मंजूर करके दुकान खोल सकते हैं ना। अरे आप रुको मैडम, आपके लगेज के लिए मैंने उनका डिमांड मान कर दुकान खोला तो मुझे भीख मांगना पड़ेगा। अंदर नींद से जागकर सुरेंद्र देख रहा था कि अब तक शटर क्यों नहीं खुला। यूं एक दिन बीत गया। अंदर सुरेंद्र टॉयलेट ढूंढने लगा, उसे टॉयलेट कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या कंजूस है, एक टॉयलेट भी नहीं बनाया कहकर पूरा शॉप ढूंढने लगा। यूं तीन दिन बीत गए, मजदूर यूं ही धरना कर रहे थे। सुभाषिनी चिंतित होकर उनके पास गई और भैया शटर खोलने दो, आपकी मेहरबानी होगी। आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है मैडम, कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हो आप, जाओ यहाँ से। अंदर सुरेंद्र बिना खाना खाए नीचे गिरा पड़ा था, बहुत हिम्मत करके उठकर बैठा। अब और कोई चारा नहीं, अगर कुछ नहीं खाया तो मरना निश्चित है। पूरी दुकान में ढूंढकर स्पॉन्ज रुमाल और धोती लेकर आया, उन्हें सामने रखकर बैठा। स्पॉन्ज के टुकड़े करके ये पनीर के टुकड़े हैं,
रुमाल को लेकर ये रुमाली रोटी है, धोती को ये ढोकला है। अरे वाह, इस रुमाली रोटी को पनीर के साथ खाओ तो मजा आ जाएगा, कहकर रुमाल के साथ स्पॉन्ज के टुकड़े को मुंह में ठूंसा। उस धोती को भी चबाकर खाने लगा। उसे खाने के कुछ देर बाद पेट को पकड़कर बैठ गया। अरे बचाओ, शटर खोलो, कहकर चिल्लाने लगा। बाहर के लोग देखने लगे कि अंदर से कौन चिल्ला रहा है। सुभाषिनी ओनर से, लगता है अंदर कोई फंसा हुआ है, फौरन शटर खुलवाए। कोई भी फंसा हो, कोई बात नहीं, इनके आगे मैं सिर नहीं झुकाऊंगा। अंदर से सुरेंद्र शटर को मारने लगा। मैं मर रहा हूँ, खोलो भाई खोलो, कहकर चिल्ला रहा था। सुभाषिनी समझ गई कि अब उसे सच बोलना ही पड़ेगा। मजदूर भाइयों, अंदर मेरा पति ही है, कृपया करके शटर खोलने दे, नहीं तो वो वहाँ मर जाएगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कहकर सब कुछ सच सच बताया। शॉप का मालिक चौंक गया, तुरंत वे शटर खोलकर अंदर गए। अंदर सुरेंद्र एक साड़ी ओढ़कर एक बुत की तरह खड़ा था। सुभाषिनी ने जाकर उसके गाल पर एक तमाचा मारा। अब नाटक बंद करो, हम पकड़े गए। वो हैरान हुआ। बाद में लोगों ने सुभाषिनी और सुरेंद्र को पुलिस को सौंप दिया।